नाजरीन, खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं दीपालपुर का, जहां एबीसी न्यूज के ब्यूरो चीफ सलीम अख्तर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में गैर कानूनी गैर मियारी एलपीजी की गैस रिफिलिंग अरूज पर वैगनों, बसों और घरेलू सार्फिन की जानों को शदीद खतरात लाहक। सिविल डिफेंस और मुतल्लिका इदारों ने पंजाब हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दीपालपुर और गिरदोनवाह में घरेलू एलपीजी गैस खुद साख्ता महंगी होने के साथ साथ वैगनों और बसों में रीफिलिंग का सिलसिला अरूज पर। मुसाफिरों को गाड़ी में बिठाकर गैस रीफिलिंग करवाने का अमर धड़ल्ले से जारी। हुकूमत की तरफ से जारी करदा ऐलान में एलपीजी की रीफिलिंग को गैर कानूनी देने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। दीपालपुर में एलपीजी लगे सिलेंडरों से मुसाफिरों की जानों को शदीद खतरात लाहक। गाड़ी मालकान एलपीजी सिलेंडरों की वजह से ओकाड़ा, बसीरपुर, हवेली, लखा, हजूरा, शाह मुकीम और बोंगा हयात के आवाम की जानों से खेल रहे हैं और शहरियों का आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।